हेलो दोस्तों, कार टेक्निकल वर्क में आपका स्वागत है। तो चलिए आज नई वीडियो लेकर आए हैं। ये गाड़ी है, स्विफ्ट है, ओल्ड मॉडल है, जो कि इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें एक्सीलेटर नहीं लेता है, एक्सीलेटर छोड़ देता है। और ये कुछ देर पहले की बात है, कुछ देर पहले ठीक ही चल रहा था, एकाएक ऐसे हो गया। तो चलिए इसके बारे में दिखाएँगे और बताएँगे कि एक्सीलेटर क्यों नहीं ले रहा है। ये देखिए डैशबोर्ड लाइट है, इसको हम आपको स्टार्ट करके दिखाएँगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन भाई लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखिए, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गया। देखिए पहले जैसे ही प्रेस करेंगे फिर, देखिए एक बार लेकर तो छोड़ दिया। अब कितना भी प्रेस कर रहे हैं तो ये प्रेस हो ही नहीं रहा। देखिए कुछ यहाँ पर हो नहीं रहा, एक बार स्टार्ट लिया उसके बाद फिर छोड़ दिया। और इसमें प्रॉब्लम कहाँ चली आपको हम दिखाते हैं, इसमें कहाँ प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम किस वजह से आता है। ये देखिए, देखिए ये प्रॉब्लम है, ये एक्सीलेटर जो ब्रेक सेंसर लगा होता है ना, ब्रेक सेंसर एडजस्टर, इसमें प्रॉब्लम था। जब इस पर गाड़ी का जब पीछे किया तो उसमें ब्रेक लाइट ऑन था, ब्रेक लाइट ऑन था, तो हमको लगा कि यही इसी में प्रॉब्लम होगा। और जब मैं देखा इसको, देखिए तो ये इसी में प्रॉब्लम था। ये देखिए थोड़ा सेंसर जो है ना वो पूरा निकला हुआ था, देखिए निकल गया इसे हाथ से, इस एडजस्टर में कुछ प्रॉब्लम था। तो देखिए अब वो लगा कर फिर से आपको स्टार्ट करके आप दिखाएंगे कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ। इसे भी प्रॉब्लम आ जाता है एक्सीलेटर में, जब ये काम नहीं करेगा तो इसे भी प्रॉब्लम आ जाती है। चलिए स्टार्ट करके आप दिखाते हैं आपको वैसा ही क्यों। ब्रेक वाला जो एडजस्टर था ना वो उसको हमने सही कर दिया। देखिए ये लगा कर देखते हैं, देखिए पूरा सेंटर ले रहा है। कोई दिक्कत नहीं है,